कांग्रेस हाईकमान तुम्हारे रवैये से खुश नहीं है। अगर तुम जंग में ब्रिटिश को मदद नहीं करने के अपने फैसले पर अड़े रहोगे तो हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। सुनो जवाहर, चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी उस साम्राज्य का समर्थन नहीं करूंगा जिसने 200 साल तक हम पर बेरहमी से राज किया, और मैं कभी भी फिरंगियों के लिए भारतीय सैनिकों के बलिदान का समर्थन नहीं करूंगा। अगर उन्हें लड़ना है तो उन्हें भारत के लिए लड़ना होगा, मातृभूमि के लिए। सैनिकों के जरिए हिंसा करना, भले वो आत्मरक्षा के लिए हो, किसी समस्या का हल नहीं है सुभाष। अहिंसा का मार्ग जो हमें बापू ने दिखाया है, हमें उसी पर चलना होगा। आजादी कोई भीख नहीं, यह हमारा अधिकार है, और अधिकार मांग कर नहीं छीन कर लिया जाता है। तुम्हारी सोच एकदम गलत है सुभाष। हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भारत की आजादी का एकमात्र उपाय है अहिंसा, मेरा ये मानना है। मुझे माफ कीजिएगा बापू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप लोग अपने तरीके से आजादी के लिए लड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़ता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजादी छीन कर आजाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूं। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेज करी थी, खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हो। 26,000 की कुर्बानी और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं। बात जाने हिंद है, बात जाने हिंद है, बात जाने हिंद है, बात जाने हिंद है, बात जी बात जी जाने हिंद आ गए हैं नाग जित हिंद को जाने हिंद आ गए। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा। ब्रिटेन ने भारत को आजादी दी, इसकी बड़ी वजह थी आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बलिदान से पैदा हुई राष्ट्रवाद की भावना। वर्ष 1945 से वर्ष 1991 के बीच क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इसी दौरान भारत को आजादी दी गई। यानी जब भारत आजाद हुआ तब एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आजादी के बाद क्लेमेंट एटली ने भारत का दौरा किया था। उस वक्त पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती थे, वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस चक्रवर्ती ने इतिहासकार आरसी मजूमदार की किताब अ हिस्ट्री ऑफ बंगाल के प्रकाशक को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि जब मैं गवर्नर था तब भारत को सत्ता सौंपने वाले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एटली ने कोलकाता के राजभवन में 2 दिन बिताए थे। उस समय मैंने आजादी के वास्तविक कारणों के बारे में उनके साथ लंबी चर्चा की। एटली के लिए मेरा सीधा सवाल यह था कि महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन कुछ समय पहले ही खत्म हो गया था और 1947 में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि ब्रिटेन को जल्दबाजी में भारत छोड़ना पड़े। इसके जवाब में एटली ने पीबी चक्रवर्ती को कई कारण बताए भारत छोड़ने के। एटली ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सैन्य गतिविधियों की वजह से भारत की सेना और नौसेना के सैनिकों की वफादारी ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राज के प्रति कम हो रही थी। इस चर्चा के अंत में पीबी चक्रवर्ती ने
इटली से ये पूछा कि भारत छोड़ने के फैसले पर महात्मा गांधी का कितना असर था। इस सवाल को सुनकर इटली ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो शब्द था मिनिमल, यानी कम से कम। यानी महात्मा गांधी का जो प्रभाव था इस फैसले पर कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं, उसमें महात्मा गांधी का प्रभाव मिनिमल था, यानी मामूली था। जी का दारा लाग रहा।